झुंझुनू जिला मुख्यालय की नेत्राम मगराज राजकीय महाविद्यालय में हाल ही में संपन्न हुए छात्र संघ चुनाव को निरस्त करवाने की मांग को लेकर निर्दलीय प्रत्याशियों के पैनल की तरफ से अध्यक्ष पद की प्रत्याशी पूजा सैनी ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। पूजा सैनी ने जानकारी देते हुए बताया कि कॉलेज प्रशासन द्वारा छात्र संघ चुनाव में विपक्षी पैनल को जिताने के लिए धांधली की गई है, तो चुनाव से पहले उनका बैलेट नंबर बदल दिया गया। मैं धरना प्रदर्शन को लेकर यहाँ पे आई हूँ कलेक्टर साहब से अनुमति मांगने के लिए। हमारे साथ चुनाव में हुई धांधली को लेकर मैं आई हूँ यहाँ पे। क्या धांधली? चुनाव पहले तो हमारे बैलेट नंबर चेंज कर दिए। पहले हमें 2 नंबर दिए गए और फिर वोटों वाले दिन पर्ची भी हमें 1 नंबर मिला वहाँ पे, और हमें वोटों की पूरी काउंटिंग नहीं करवाई गई वहाँ पे। और 3 कैंडिडेट सिर्फ अध्यक्ष के साइन हुए वहाँ पे, 3 कैंडिडेट के साइन नहीं हुए। और फिर उन्होंने 4 कैंडिडेट को शपथ दिला दी कि आप अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद उन्हें दे दिया गया बिना साइन के। इसलिए हम अनुमति मांगने आए हैं धरना प्रदर्शन के लिए। या तो चुनाव निरस्त करो या फिर दोबारा करवाओ। प्रधानमंत्री पर टिप्पणी को लेकर भाजपा ने विरोध प्रदर्शन किया, पुतला फूका, राहुल गांधी मुर्दाबाद के लगाए नारे। परिवहन मंत्री बिजेंद्र ओला की मौजूदगी में चिड़ावा प्रधान की ओर से प्रधानमंत्री पर की गई टिप्पणी का भाजपा ने विरोध किया है। टिप्पणी के विरोध में भाजपा ने कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया। राहुल गांधी व परिवहन मंत्री बिजेंद्र ओला का पुतला फूका गया। भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे लगाए। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। भाजपा जिलाध्यक्ष पवन माउंडिया ने कहा कि कांग्रेस के नेता हार को देखकर बौखला गए हैं, आने वाले समय में अपनी हार से चिंतित हैं। अपनी हार को देखते हुए कांग्रेस नेता अपने चेले सपाटियों से इस तरह के बयानबाजी करवा रहे हैं। सुल्ताना ग्राम के अंदर राज्य सरकार के मंत्री की उपस्थिति में चिड़ावा की प्रधान इंदिरा डूडी ने जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी को लेकर जो अमर्यादित टिप्पणी की, जो अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया, वो निंदनीय है। उनकी हम निंदा करते हैं। और जिस प्रकार से देश के नहीं पूरी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, ग्लोबल लीडर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के बारे में इस प्रकार की टिप्पणी, ये साफ तौर से जाहिर है कि कांग्रेस के नेता दिल्ली से लेकर यहाँ झुंझुनू तक भी बौखला गए हैं और अपनी जो आने वाले समय में जो संभावित और परमानेंट हार है उसको लेकर वो बड़े चिंतित हैं। इसलिए अपने चेले चपाटियों से इस प्रकार की अपनी उपस्थिति में इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी करवा रहे हैं, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी इसकी पूर्ण रूप से निंदा करती है और उसी के क्रम में आज यहाँ जिला कलेक्ट्रेट पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा रोडवेज डिपो पर यात्रियों का हंगामा। 8:15 की बस 9 बजे तक नहीं हुई रवाना। रोडवेज कर्मियों पर लगाया आरोप, 6 सवारियों को लेकर रोकी रखी बस। झुंझुनू के रोडवेज डिपो पर रात करीब 9 बजे यात्रियों ने जमकर हंगामा किया। आधे घंटे तक लोग हंगामा करते हुए नजर आए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। रोडवेज प्रशासन ने किसी की भी नहीं सुनी। बस का चलने का वक्त रात 8:15 का था, लेकिन बस झुंझुनू डिपो से 9 बजे तक रवाना नहीं हुई। बस में करीब 50 से अधिक सवारियां भरी हुई थी। करीब 1.25 घंटे की देरी हो चुकी थी। डिपो में कोई भी व्यक्ति जवाब देने को तैयार नहीं। बस रवाना होने में देरी होने पर झुंझुनू डिपो में लोगों ने जमकर हंगामा किया। बस में सवार लोगों का आरोप है कि कंडक्टर और रोडवेज स्टाफ की जानकारी की 6 सवारियों के लिए बस रोक कर रखी गई। बताया तो वो भी ये बोल रहे हैं क्या समस्या? अंदर से गए तो उन्होंने कहा कि वो सवारी आएगी, बस आएगी, जब रवाना होगी, चाहे वो 8:45 आओ चाहे 9 बजे आओ, तो 6 सवारी है क्या इसमें इम्पोर्टेंट? बाकी 50 सवारी बैठी इम्पोर्टेंट नहीं है, इनका टाइम कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको कहाँ जाना था? मैं सीकर जाऊँगा, सीकर से ट्रेन पकड़ूंगा कोटा के लिए। अभी आपकी ट्रेन है वो कितने बजे की है? 10 बजे की ट्रेन है, 10:15 पे ट्रेन है। अभी देख लो कितना टाइम हो रहा है मेरे, वो बस मुश्किल है कि ट्रेन पकड़ में आएगी। अब अभी डिपो प्रशासन आपको क्या कह रहा है? डिपो प्रशासन के 6 सवारी आएगी, जब भी बस रवाना होगी, वो सवारी अब आई है तो अब रवाना कर रहे हैं इसको, जबकि 9 बज चुके हैं। अभी आपकी क्या मांग है? मांग कुछ नहीं है, गाड़ी रवाना करो, हमें ट्रेन पकड़ो, और ऐसा गलत है ये। अगर आप तो, अगर आपकी ट्रेन आपको नहीं मिली तो आप क्या करोगे? क्या करूँ मैं? केस करूंगा रोडवेज प्रशासन पे, रोडवेज प्रशासन पे केस करूंगा। आपका नाम क्या है? एडवोकेट अनूप केडिया। लखन को इंसाफ दिलाने के लिए सर्व समाज की बैठक हुई संपन्न। एक 13 वर्षीय बच्चे लखन के साथ हुई दुष्कर्म व मारपीट की घटना को लेकर स्थानीय कपड़ा बाजार स्थित बिहारी जी मंदिर में सर्व समाज की बैठक हुई, जिसमें 8 लोगों के द्वारा
बच्चे के साथ मारपीट व दुष्कर्म की घटना की निंदा करते हुए पुलिस प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया गया। आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की गई। सर्व समाज के लोगों ने पुलिस प्रशासन व चिकित्सकों पर दर्ज मुकदमों को प्रभावित करने का आरोप लगाते हुए अपराधियों को बचाने के कुप्रयास की बात कही। इस मौके पर भाजपा राष्ट्रीय परिषद के प्रतिनिधि विशंबर पूनिया, गोरक्षा दल जिलाध्यक्ष प्रवीण स्वामी, झुंझुनू नगर मंडल अध्यक्ष व जिला प्रवक्ता कमलकांत शर्मा, बिहारी मंदिर महंत श्याम दास महाराज, एडवोकेट सुशील जोशी, राकेश सहल, ललित जोशी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच पर सट्टा पकड़ा, 2 लोगों को किया गिरफ्तार, 33 मोबाइल सहित बड़ी संख्या में सट्टे के उपकरण जब्त। भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच पर सट्टा करवाते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से बड़ी संख्या में सट्टा करवाने के इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण भी जब्त किए हैं। पुलिस को मौके पर लाखों रुपए के सट्टे के कागजात भी और हिसाब किताब भी मिला है। कोतवाली थाना अधिकारी सुरेंद्र देगड़ा ने बताया कि मलसीसर थाना इलाके के क्यामसर निवासी इंतजार अली और जीत की ढाणी निवासी पवन कुमार कुमावत को गिरफ्तार किया गया है। थानाधिकारी सुरेंद्र देगड़ा ने बताया कि पुलिस को 10:15 सूचना मिली थी। सूचना मिलने के बाद वसुंधरा नगर में अनिल छोरान के घर पर बड़े स्तर पर क्रिकेट मैच पर सट्टा चल रहा था। इस कार्रवाई में सुरेंद्र देगड़ा थानाधिकारी कोतवाली, ASI ओम प्रकाश, दिनेश कुमार, नीरज कुमार सदर, थानाधिकारी महेंद्र सिंह, सुरेंद्र सिंह, रविशंकर, कुलदीप, मनोज आदि शामिल रहे। सीमांत जिला पुलिस अधीक्षक जिला झुंझुनू के दिशा निर्देश अनुसार तो कल से जो एशिया कप शुरू हुआ है तो ये सूचना प्राप्त हो रही थी कि इस पर सट्टे की कार्यवाही ऑनलाइन की जा रही है, जिस पर आज सूचना प्राप्त संग्रहित की गई व मुखबिर की सूचना पर उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देशानुसार दिनांक 28/8/2022 की रात्रि करीब 11 बजे के आसपास मलडरा रोड पर वसुंधरा कॉलोनी है, वहाँ पर एक मकान पर दबिश दी जाकर इंतजार अली निवासी धनुरी व पवन कुमार कुमावत निवासी जीत की डाणी को पकड़ा गया, जहाँ पर जो भारत पाक का जो मैच चल रहा था उस पर ऑनलाइन सट्टे की खाईवाली की जा रही थी। इनसे जो सट्टे के उपकरण एवं 31 मोबाइल जो एक सूटकेस के अंदर रखे हुए थे और इसके अलावा एक मोबाइल फोन जिस पर भारत पाक का मैच चल रहा था और लैपटॉप और लाखों रुपए के सट्टे की खाईवाली का हिसाब किताब बरामद किया गया है, जिस पर प्रकरण दर्ज किया जाकर अनुसंधान जारी।